अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बड़ा घोटाला शुरू, सभी कैंडिडेट को सतर्क होना पड़ेगा। किस तरीके से घोटाला शुरू हुआ है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो 20,000 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करें। बीपीएससी तैयारी 3.0 जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, सभी कैंडिडेट पर कॉल आ रहा है। काफ़ी लोगों के पास कॉल आ चुका है, और जिनके पास कॉल नहीं आया आप पर भी कॉल आएगा, तो आपको सतर्क रहना है। देखिए ये वाला नंबर है, ये नंबर से आप पर क्या होगा कि कॉल आएगा, या फिर कुछ नंबर जो है चेंज है लगेगा, शायद आपको ये कंपनी का नंबर है, क्योंकि पर्सनली हमारे जो जानने वाले भाई थे उनके पास भी कॉल आ चुका है। तो आपसे जब कॉल आएगा तो डायरेक्ट आपसे बोला जाएगा कि मैं बीपीएससी से बोल रहा हूँ, बीपीएससी का मैं ऑफिस हूँ, बीपीएससी में मैं काम करता हूँ। और उसके बाद फौरन बोला जाएगा कि आपको अगर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आप देखना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरईटी 3.0 में अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको 20,000 रुपया पे करना है, आप ऑनलाइन पेमेंट पे करें। और आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बेवकूफ़ बन जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से बात किया जा रहा है कि लग रहा है कि शायद ये सच में ही बीपीएससी की तरफ से कॉल है। तो अगर आपको कोई भी नंबर से कॉल आता है, जितने भी कैंडिडेट जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब बहुत सारे लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मोहम्मद भाई सिर्फ उनको ही कॉल क्यों आ रहा है, उनको कॉल क्यों आ रहा है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, कॉल तो किसी के पास भी आ जाना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, कुछ ना कुछ जरूर अंदर की चाल है। ये भी बात कैंडिडेट की बिल्कुल सही है कि कॉल वही कैंडिडेट पर क्यों आ रहा जो एग्जाम दिए, अदर्स किसी कैंडिडेट पर कॉल नहीं आ रहा, अदर्स किसी स्टूडेंट पे, किसी गार्जियन पे कॉल नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ वही नंबर पे कॉल आ रहा है जिनका नंबर जो है बीपीएससी में डाला हुआ है, जो फॉर्म भरते समय आपने नंबर दिया था वही नंबर पे कॉल आ रहा है। और कॉल आने के बाद देखिए इस तरीके से बोला जाएगा, हेलो मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपका नाम है, आपका नाम बताएंगे, पिता का नाम है, वो आपका नाम बता देंगे, आपका पिता का नाम बता देंगे, अगर आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो 20,000 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करें। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पूर्ण परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पास इन दिनों ऐसे कॉल आ रहे हैं, कई अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर ये है देख सकते ये से कॉल आया है, जब सामने से अभ्यर्थियों ने संपर्क करने का प्रयास किया तो नंबर कवरेज एरिया से बाहर बताने लगा, वही टू कॉलर पर वो नंबर बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से सेव बता रहा है। अभ्यर्थियों को चिंता है कि उनका डेटा लीक कैसे हुआ, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा अनियमितता के कारण रद्द की गई थी। इसी महीने 19 से 22 जुलाई तक मुजफ्फरपुर सहित राज्य के 27 जिलों में संचालित हुई। तो देखिए अब यहाँ पे आपको समझना है कि आपका डेटा कैसे लीक हुआ। देखिए डेटा लीक आपको पता है कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम सही तरीके से हुआ, बट टीआरई 3.0 में क्या हुआ कि बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उनका पेपर लीक हुआ, और जब पेपर जो लीक हुआ उसी वक्त आपका डेटा जो है लीक हो चुका है और उनके पास जो है नंबर जा चुका है। और आपको बात इस तरीके से करेंगे लगेगा कि शायद ये बीपीएससी के तरफ से ही है, तो आपको बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं होना है और ना तो आपको डरना है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स या फिर जो डेटा लीक हुआ है तो कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बीपीएससी की तरफ से अपडेट आ चुकी है कि जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके से गलत तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे उनके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार जो है ये नंबर की जांच की जा रही है। अगर कोई जांच में पकड़ा जाएगा उसको आपको पता है कि 1 करोड़ प्लस में
10 साल की जेल होगी। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि लगातार जो है बच्चे परेशान थे, मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि मोहम्मद भाई हमारे पास कॉल आ रहा। तो अगर आपको कोई भी नंबर से आए, ये नंबर से आए या फिर अदर्स कोई नंबर से आए, आपको लगेगा कि शायद ऑफिस का नंबर है या फिर नॉर्मली कोई नंबर से कॉल आए, जिस तरीके का भी कॉल आए, अगर आप रिसीव करते उसके बाद अगर आपसे बोला जाता है कि आपके फादर्स का ये नाम है, आपका नाम ये है, आपकी माँ का नाम ये है, और आपका जो है आप TRE 3.0 में एग्ज़ाम दिया, आप एज लिमिट आपकी है, फिर भी सब कुछ बोलने के बावजूद भी आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप मेल या फीमेल सब बोलने के बाद भी आपको एक रुपया पे नहीं करना है, क्योंकि आपका पूरा डेटा उनके पास है, आप पूरे वो डेटा देख रहे हैं और आप कॉल कर रहे हैं और आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि आपका नाम ये, आपका फादर्स का मदर्स का नाम ये है, और बच्चे जो है कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो ऐसे आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ना आपको डरना है, कॉल आएगा आपको डायरेक्ट कट कर देना। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट TRE 3.0 का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो सारे कैंडिडेट पर धीरे धीरे कॉल आ रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट पर कॉल आ भी चुका है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।